हेलो दोस्तों, मैं हूं राघवन। आप सभी का कंपटीशन कम्युनिटी में स्वागत करता हूं। हम लोगों ने कंप्यूटर की सीरीज चालू की थी और कंप्यूटर में हमने सबसे पहले उसका डेफिनेशन हमने समझा था। ठीक है, कंप्यूटर क्या है? तो कंप्यूटर एक गणना यंत्र है जो कि इनपुट के रूप में आपको डेटा को लेता है, प्रोसेस करता है, फिर आउटपुट के रूप में रिजल्ट को देता है। ये हमने पढ़ा था। आज हम लोग देखेंगे कि कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ, इसका इतिहास क्या है और इसके विकास के क्रम को, इसके टेक्नोलॉजी के सुधार को हम लोगों ने पीढ़ियों में बांटा है। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, ऐसे करके। तो जो उसकी टेक्नोलॉजी में सुधार हुए हैं ना, वही उसकी पीढ़ियां यानी जनरेशन कहलाते हैं। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे उस जनरेशन वाले टॉपिक को भी हम लोग कवर कर ले। तो सबसे पहले इसको बेसिक देखिए कि कंप्यूटर का जन्म कहां से हुआ, इसका इतिहास क्या है। तो कंप्यूटर एक गणना यंत्र है और सबसे पहले हम देखते हैं कि गणना यंत्र सबसे पहले विकसित कहां हुआ और बनाया किसने। तो हमको जाना पड़ेगा इसके लिए हमारे 5000 साल पहले। 5000 साल पहले 16वीं शताब्दी बीसी की बात है, चाइना में एक मशीन बनता है जिसका नाम होता है अबेकस। ठीक है, और इसको बनाने वाले हैं आपका ली काई चेन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्या देख रहे हैं, कंप्यूटर का इतिहास और उसके बाद हम लोग जनरेशन यानी पीढ़ियों को कवर करेंगे। फिर से मैं बता दूं, पीढ़ियां मतलब क्या हो गई, उसके टेक्नोलॉजी में सुधार को हम लोग पीढ़ियों में बांटेंगे। ठीक है, इतिहास में सबसे पहले आए तो 16वीं शताब्दी बीसी की बात है, यानी लगभग 5000 साल पहले चाइना में अबेकस नाम का यंत्र बनता है। अबेकस, ये जो अबेकस है इसको बनाया किसने है, तो ली काई चेन। आपको नाम से दिख रहा होगा ये चाइनीज है ऐसे करके, तो ली काई चेन से चाइना। ठीक है, चाइना याद रखिएगा। देखिए कैसा था ये, तो आप लोगों ने देखा होगा प्ले स्कूल वगैरह या फिर घरों में आजकल यूज होता है ये। इस तरह से ना, इस तरह से गोली गोली रहता है इसे। ठीक है, बच्चे लोग ऐसे खींच खींच के क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, ये एक हो गया, ये दो हो गया, ये तीन हो गया, यही है आपका अबेकस। ठीक है, आजकल छोटे बच्चे जो है अपना कैलकुलेशन करने के लिए ये सब यूज करते हैं, 1 2 3 4। तो ये अबेकस जो है सबसे पहले, क्योंकि देखो कंप्यूटर तो गणना यंत्र ही है ना, तो इससे भी तो गणना हो ही रही है, तो गणना करने के लिए सबसे पहले बनाया गया था अबेकस, ली काई चेन, चाइना, और 16वीं शताब्दी बीसी में बना था ये पहला। इसके बाद समय बीता, ठीक है, और उसके बाद फिर हमारे यहां 16वीं 17वीं शताब्दी में, ठीक, आधुनिक भारत में दूसरा देखें तो, क्योंकि कंप्यूटर पढ़ रहे हैं तो फॉरेनर्स को ज्यादा लेंगे। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा आपका नेपियर बोन्स। नेपियर बोन्स, नेपियर बोन्स कौन सी, तो 17वीं शताब्दी के आसपास नेपियर बोन्स, जॉन नेपियर नाम था, स्कॉटलैंड के थे। कहां के थे, स्कॉटलैंड के थे। नाम क्या था, जॉन नेपियर। जॉन नेपियर जो है स्कॉटलैंड के थे और इन्होंने ना नेपियर बोन्स बनाया। क्या बनाया, नेपियर बोन्स। नेपियर बोन्स मतलब आप समझिए जानवरों की हड्डियों से उन्होंने कैलकुलेशन, आपका मैथमेटिक कैलकुलेशन बनाया, यंत्र बनाया, और उसे जो गुणा उड़ा करना है बहुत आसान हो गया। ठीक है, तो याद रखिएगा कहां के थे और इन्होंने क्या बनाया, नेपियर बोन्स। किससे बनाया, तो जानवरों की हड्डियों से, हड्डियों से बनाया। इसी वजह से इनको क्या बोलते हैं, नेपियर बोन्स के नाम से। बोन्स मतलब हो गया बोन मतलब हड्डी, तो नेपियर बोन्स के नाम से जानते हैं। ये 17वीं शताब्दी की बात। ठीक है, जो आपका मल्टीप्लिकेशन है ना बहुत आसान हो गया था इससे, तो ये दो हो गया। ठीक है, पहला अबेकस, दूसरा नेपियर बोन्स। इसके बाद आते हैं हमारे तीसरे नंबर के, आपका ब्लेज पास्कल। ठीक है, पास्कलाइन मशीन तीसरा बनता है। ये भी 17वीं शताब्दी की बात है, 17वीं शताब्दी की बात है, 1624 से आपका 70 तक की बात है। 17वीं शताब्दी आप याद रखें, 17वीं शताब्दी में बनता है आपका कौन सा, पास्कलाइन मशीन, ब्लेज पास्कल, फ्रांस के थे। ठीक है, किसने बनाया, तो ब्लेज पास्कल, पास्कल। इसको एडिंग मशीन के नाम से भी जानते हैं, एडिंग मशीन, ऐड करने के लिए बनाया था,
मशीन मशीन एडिंग मशीन किसने बनाया है? ये पास्कलाइन मशीन के नाम पर किसने बनाया? तो ब्लेज पास्कल से ने बनाया। और कहां के थे? तो ये फ्रांस के थे, इसको याद रखिएगा। और ये 19 साल की एज में बनाया था उन्होंने, ठीक है, 90s एज थे तभी उन्होंने ब्लेज पास्कल ने पास्कलाइन मशीन बना ली थी, ये याद रखिएगा। इसके बाद कैलकुलेशन के लिए ये विकसित हुआ। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका आपका मल्टीप्लाई मशीन। मल्टीप्लाइंग मशीन या फिर इसको यांत्रिक कैलकुलेटर भी बोलते हैं, यांत्रिक कैलकुलेटर, थोड़ा सा याद रखिएगा। मल्टीप्लाइंग मशीन या यांत्रिक कैलकुलेटर ये भी 17वीं शताब्दी बनेगा, इसके बाद बनेगा, ठीक है। पास्कलाइन मशीन जो है इसके बाद आपका कौन सा बनता है? तो मल्टीप्लाइंग मशीन या यांत्रिक कैलकुलेटर बनता है। ये पास्कलाइन मशीन का सुधरा हुआ रूप है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। ये मल्टीप्लाइंग मशीन जो है ये पास्कलाइन मशीन का सुधरा हुआ रूप, जैसे कैलकुलेटर देखते हैं ना, कैलकुलेटर, तो कैलकुलेटर समझिए आप, कैलकुलेटर का आविष्कार इस समय हुआ मल्टीप्लाइंग मशीन या यांत्रिक कैलकुलेटर रूप में। और ये कौन करेगा? तो वॉन फेन लेबनीज वॉल्फेड गोल्फ लेबनीज नाम है। तो लेबनीज ये कहां से थे? तो ये जर्मनी से थे, ठीक है, जर्मनी से थे। और इन्होंने ही आगे चलकर न्यूटन के साथ मिलकर कैलकुलस में इनको बहुत हेल्प किया था। तो ये नाम आपको याद रखना है, लेबनीज, गोल्फेड वॉल लेबनीज नाम था पूरा, ठीक। तो थोड़ा सा देख लेते हैं इनके बारे में, मैं क्या बता रहा हूं कैलकुलेटर के बारे में, कैलकुलेटर यांत्रिक कैलकुलेटर, ठीक है। यांत्रिक कैलकुलेटर कौन है? तो गोल्फेड वॉन लेबनीज, ठीक। इन्होंने क्या किया? न्यूटन के साथ मिलकर, न्यूटन के साथ मिलकर, के साथ मिलकर कैलकुलस का जो आविष्कार हुआ उसमें बहुत, कैलकुलेशन के जो गणना है उसमें बहुत हेल्प किया है। तो इसको याद रखेगा, गोल्फेड वॉन लेबनीज जो है उन्होंने क्या बनाया? तो यांत्रिक कैलकुलेटर बनाया जो कि पास्कलाइन मशीन का सुधरा हुआ रूप था। तो ये 17वीं शताब्दी तक का कहानी हो गया। उसके बाद रिवोल्यूशन आ गया, एकदम क्रांति आ गई 1812-13 से लेकर 22-24 के बीच में। 1800 मतलब आपका ये तो 17वीं शताब्दी, आपका 17वीं शताब्दी था। इसके बाद 1813 से 24 तक हमारे आते हैं कौन सा? डिफरेंस इंजन। और ये किसने बनाया डिफरेंस इंजन को? तो आप लोग सभी जानते हैं हमारे कंप्यूटर के फादर ऑफ कंप्यूटर कहलाते हैं चार्ल्स बेबेज, ठीक है। तो याद रखिएगा डिफरेंस ने किसने बनाया? तो चार्ल्स बेबेज। तो ये चार्ल्स बेबेज जी ने डिफरेंस इंजन, यानी डिफरेंस इंजन समझिए, भाप से चलने वाली मशीन बनाई। और भाप, आप लोग समझते होंगे भाप से चलने वाली मशीन का कितना यूज है, उस समय ट्रेन वगैरह बहुत सारी चीजों में भाप से चलने वाली मशीन का प्रयोग किया जाने लगा और एक क्रांति जैसी आ गई। तो याद रखिएगा डिफरेंस इंजन का आविष्कार किसने किया? चार्ल्स बेबेज। और यही पर चार्ल्स बेबेज जब बता रहे हैं तो आपको बता दें, इसी के बाद एक और बस ध्यान दीजिएगा, इसी के बाद इसी समय आसपास में आपका एनालिटिक इंजन बनेगा, एनालिटिक इंजन। ये भी किसने बनाया? तो चार्ल्स बेबेज ने ही बनाया है, ठीक है। और ये जो है ये मशीन है, ठीक है, ये तो भाप से चलने वाला इंजन है। और ये एनालिटिक इंजन क्या है? तो ये गणना करने वाली मशीन, इसी को पहला कंप्यूटर का प्रारूप माना जाता है, ये आधुनिक कंप्यूटर माना जाता है। और इसको आधुनिक कंप्यूटर के फादर किसको? चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। यहीं पर आपको याद रखना है कि फादर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के पिता कौन होंगे? तो चार्ल्स बेबेज, आधुनिक कंप्यूटर के पिता भी चार्ल्स बेबेज। यही एनालिटिक इंजन था, एनालिटिक इंजन जो है, इसी एनालिटिक इंजन में आगे चल के, क्योंकि देखिए आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ये डिफरेंस इंजन जो है वो भाप से चलने वाली मशीन है, ठीक है, और ये एनालिटिक इंजन है, ये कैलकुलेशन करने वाली मशीन है। तो इसी वाले मशीन में आगे चलकर क्या, एनालिटिक इंजन में
प्रोग्राम जोड़ा जाएगा। मैंने बताया था पिछली बार भी कि प्रोग्राम क्या होते हैं, तो आप समझिए काम कैसे करना है वो इंस्ट्रक्शन को ही प्रोग्राम कहेंगे। तो कंप्यूटर जो है काम करता है, जोड़ता है, घटाता है, जैसे जो भी काम हो। जैसे आप एक एग्जांपल समझे कि खाना बनाना है और आपको सिखाया गया है कि इतना हल्दी डालना है, इतना नमक डालना है, तो आपको कैसे बनाना है, चाय कैसी बनानी है, तो बनाने का जो प्रोसेस है वो जो सिखाया गया वही जो प्रोग्राम है। तो कंप्यूटर को भी सिखाया गया कि ये समस्या आएगी तो इस तरह से समाधान करना है, तो उसी को प्रोग्राम कहते हैं। तो पहला प्रोग्राम ये एनालिटिक इंजन में लेडी एडा अगस्टा जी ने जुड़ा था, यही वाला, ठीक है। तो पहली प्रोग्रामर भी कहलाती है, पहली प्रोग्रामर लेडी एडा अगस्टा, इन्होंने बाइनरी लैंग्वेज में प्रोग्राम को जोड़ा था। तो बाइनरी लैंग्वेज के आविष्कारक, बाइनरी भाषा की जन्मदाता, जन्मदाता बाइनरी मतलब जीरो और वन वाला ना, बाइनरी वाला जीरो और वन। तो याद रखिएगा पहली प्रोग्रामर कहलाती है लेडी अगस्टा, और इन्होंने पहली बार प्रोग्राम किसमें डाला था, तो एनालिटिक इंजन में डाला था, यानी एनालिटिक इंजन को समझाया था कि आपको कैसे काम करना है, नहीं तो मैनुअली बताना पड़ता था, मैनुअली करना पड़ता था, और उसके बाद उन्होंने बता दिया, उसके बाद क्या हुआ ये काम करने लगा। इसीलिए जो एनालिटिक इंजन, इसी को पहला आधुनिक कंप्यूटर कहा जाता है, और आधुनिक कंप्यूटर के जो जनक है कौन हो जाएंगे, आपका चार्ल्स बैबेज हो जाएंगे, ठीक है, जिसको याद रखिएगा। एक और बात आगे बढ़ जाते हैं, इसी में आपको बता ही रहे, तो देखिए आधुनिक कंप्यूटर बोल दीजिए या कंप्यूटर के जनक बोल दीजिए, मगर अगर इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर आ जाएगा तो उसके जनक आपका विलियम, आगे बता दें, देखो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के जनक विलियम टूरिंग और जॉन मुचली, ये दो लोगों को कहा जाता है, विलियम टूरिंग और जॉन मुचली को इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के जनक के रूप में जाना जाता है। जब आप कंप्यूटर पढ़े तो इसको पढ़ लें, आधुनिक कंप्यूटर के जनक या कंप्यूटर के जनक, और इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के जनक कौन कहलाएंगे, तो विलियम टूरिंग और जॉन मुचली को कहा जाता है आधुनिक कंप्यूटर के जनक। तो इतना हो गया, ठीक है, भाप इंजन भी बन गया 1824 आपका 24 तक, 1850 तक आपका कौन सा एनालिटिक इंजन भी बन गया। 1880 की बात, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट हमारा आ जाएंगे कहां पर, 1880 में हर्मन होलेरिस, याद रखिएगा ये हर्मन होलेरिस ने पंच कार्ड का आविष्कार किया, पंच कार्ड एक काम आएगा जब मैं आपको प्रथम पीढ़ी बताऊंगा, तो स्टोरेज डिवाइस के रूप में, इनपुट डिवाइस के रूप में पंच कार्ड का हम लोग प्रयोग करते हैं, एक तख्ती होती है, ठीक है, तो पंच कार्ड का आविष्कार किसने किया, तो हर्मन होलेरिस ने, और इन्होंने टेबुलेटिंग मशीन बनाई, कौन सी मशीन, टेबुलेटिंग मशीन, और इन्होंने ही आगे चल के देखो 1890 में पंचकार्ड के माध्यम से जो जनगणना होती है उसमें बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन किया था हर्मन होलेरिस। मैं आपको बताऊं यही जो है 1911 में आपका एक कंपनी बनी गई जिसका नाम है आईबीएम, जिसका आगे चल के नाम आईबीएम पड़ता है। पहले पंचकार्ड समझ लेते हैं, ठीक है, एक चित्र है आप हमारे पास, देखिए ये है पंचकार्ड, ठीक है, पंचकार्ड है, पंचकार्ड में क्या होता था अलग अलग जगह पे, जैसे ये देखिए ये छेद है, ठीक, ये छेद में क्या होते थे, तो डेटा स्टोर होते थे कंप्यूटर में, क्योंकि कंप्यूटर में डेटा स्टोर होगा तभी तो काम करेगा, और स्टोर करना इसका बेसिक फंडामेंटल आपको बताया था मैंने, बेसिक आपका वो है। तो ये आपका याद रखिएगा, ये पंचकार्ड, पंचकार्ड का आविष्कार किसने किया, हर्मन होलेरिस, ठीक है, इसको पंचकार्ड के अन्य नाम, दो अन्य नाम थे, इसको बोलते थे हर्मन होलेरिस, लेरिस कार्ड, और या तो फिर आईबीएम कार्ड के नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो कभी कभी मान ऐसा पूछ, अभी तक तो ऐसे पूछा है कि पंचकार्ड पहले प्रथम पीढ़ी में पंचकार्ड, ठीक है, अभी प्रथम पीढ़ी पढ़ना है, तो प्रथम पीढ़ी में अगर बोल दे कि हर्मन होलेरिस कार्ड का प्रयोग हुआ तो ये गलत नहीं है, पंचकार्ड का ही अन्य नाम है हर्मन होलेरिस, इन्होंने खोज की थी, बनाई थी, और इसको आईबीएम कार्ड के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। तो पंचकार्ड याद रखेगा डेटा इनपुट के लिए फर्स्ट जनरेशन में यूज होने वाला जो कार्ड है, तख्ते का होता था, गत्ते का होता था, कागज का, इसका यूज करते थे पंच कार्ड का, ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। इसके बाद 1911 में बता रहा था, ठीक है, मैग्नेटिक ड्रम को हम लोग बाद देखेंगे, फर्स्ट जनरेशन में काम आएगा, ठीक।
ओके ए कहां गया, ठीक थोड़ा सा हम लोग देख ले, आईबीएम के बारे में देख रहे थे ना। देखिए आईबीएम के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो आईबीएम का जो है, आईबीएम जो है 1911 में इसकी स्थापना होती है और इसका उस समय नाम होता है कंप्यूटरिंग टेबुलेटिंग रिकॉर्डिंग। ठीक है, टेबुलेटिंग आएगा ना, टेबुलेटिंग मशीन, तो टेबुलेटिंग हलमन होले दिस, तो कंप्यूटरिंग टेबुलेटिंग मशीन के नाम से इसकी स्थापना होती है। 1924 में इसका नाम बदल जाता है। ठीक है, 1924 में क्या होता है, इसका नाम बदलता है और इसका नाम पड़ता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इसको याद रखिएगा, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ओके, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन आज भी है, ये बहुत प्रॉफिट होता है, कंप्यूटर के क्षेत्र में बहुत ज्यादा डोमिनेंट करने वाली कौन सी संस्था है, आईबीएम। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा आईबीएम को। ये 1911 से लेकर और 1924 से नाम बदला है, तो हम लोग 1980 पहुंचे थे। उसके बाद देखिए 24 आ गए, उसके बाद एक कंप्यूटर बनता एबीसी के नाम से। ठीक है, एटनासॉफ्ट बेरी कंप्यूटर। ठीक है, एटनासॉफ्ट और क्लिकफोर्ड बेरी ने बनाया था, उसको भी दिखा देते हैं आपका एबीसी। ये 1939 से 42 के बीच एक कंप्यूटर बनता है जिसका नाम है एटनासॉफ्ट बेरी कंप्यूटर। किसने बनाया, तो एटनासॉफ्ट और क्लिकफोर्ड बेरी। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन पे मत जाइएगा, अंग्रेजी वर्ड्स है। एटनासॉफ्ट और क्लिकफोर्ड बेरी ने कंप्यूटर बनाया है, इसको हम प्रथम कंप्यूटर भी मान सकते हैं, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर अगर आपसे पूछ ले तो एबीसी कंप्यूटर हो जाएगा। ठीक है, चूंकि इन्होंने व्यक्तिगत रूप से बनाया, लैब में बनाया, इसीलिए इसको व्यापक दर्जा नहीं दिया जाता। उसके बाद 19 ठीक ये याद रखेगा 1939 में बना है, मगर बना तो है 1944 मार्क वन बने, वही अभी इससे पहले दिखा रहा था आपको, 1944 में बनेगा मार्क वन। मार्क वन जो है, देखिए मार्क वन कंप्यूटर बहुत बड़े है, वही आईबीएम कंपनी ने ही बनाया था मार्क वन। ओके, तो मार्क वन कौन, 1944 ये आपका पहला कौन सा हो जाएगा, प्रथम आपका ये भी इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इलेक्ट्रो कैलकुलेटिंग कैलकुलेटिंग। ठीक है, पहला इलेक्ट्रो कैलकुलेटिंग आपका जो है कंप्यूटर कौन सा है, मार्क वन 1944 बनाया किसने है, तो आईबीएम ने बनाया। और उसके बाद जस्ट कुछ दिनों बाद, ठीक है, 1948 में आपका बनता है एनियक। ठीक है, एनियक याद रखेगा, इसका फुल फॉर्म कई बार पूछा जाता है। ये पूर्णतः देखिए ध्यान दीजिए, तीन कंप्यूटर मैंने बताया अभी, एक 1939 का एबीसी, एक 44 का आपका कौन सा मार्क वन, और एक 48 का कौन सा हो जाएगा एनियक। ये जो एनियक कंप्यूटर है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमिनेटर इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर या कैलकुलेटर भी कहा जाता है कई जगह फुल फॉर्म में, तो एनियक याद रखिएगा, एनियक का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक न्यूमिनेटर इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर या कंप्यूटर। ये जो है 1948 में बनाया गया, ये पूर्णतः आपका इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कंप्लीट था। इससे क्या कर सकते थे, इसका यूज कर सकते थे, इसमें थोड़ी थोड़ी कमियां थी, ये इलेक्ट्रो कैलकुलेटिंग था मगर क्या था, ये पूर्ण नहीं था, कंप्लीट नहीं था, इसमें प्रोग्राम नहीं कर सकते। उसके पहले वाला जो व्यक्तिगत रूप से बनाया था तो उसका तो कोई यूज ही नहीं, मगर ये वाला जो एनियक है ना, ये एनियक कंप्यूटर कंप्लीटली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, पूर्णतः इसको गणना में यूज कर सकते थे, इसीलिए पहला कंप्यूटर इसको ही माना जाता है। पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर किसको मानेंगे, तो एनियक को मानेंगे। एनियक का फुल फॉर्म पूछता है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर से है ये, बहुत हैवी होते थे, देख लीजिए बहुत हैवी होते थे, मैनुअली इनपुट दिया जाता था, वही पंच कार्ड यूज करेंगे। ठीक है, और आपका वैक्यूम ट्यूब वगैरह यूज करते थे, मैं बताऊंगा आगे। ठीक, तो याद रखिएगा एनियक। ठीक है, 1948, इसके बाद 1948 के बाद 1951 के आसपास का है यूनिवेक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये जो यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर जीईसी के द्वारा बनाया गया था, जीईसी जनरल इलेक्ट्रॉनिक आपका इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स के द्वारा बनाया गया था। ये जो कंप्यूटर है जीईसी आपका, सॉरी यूनिवेक, ये व्यापारियों के लिए था, ये व्यापारिक वर्ग का प्रथम कंप्यूटर, व्यापारी वर्ग का प्रथम कंप्यूटर कौन सा हो जाएगा, यूनिवेक यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसको याद रखिएगा, एनियक एबीसी मार्क वन एनियक यूनिवेक, और एक और आप याद रख लें, एक उसी समय एक और कंप्यूटर में था एडविक, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ये भी इतना बड़ा कंप्यूटर था उसी के समय ये बना था।
कुछ विशेष नहीं है, दो में आपको याद रखना है, ENIAC आपका पूर्णता इलेक्ट्रॉनिक याद रखना है, और UNIVAC जो है आपका ये व्यापारियों के लिए बना हुआ कंप्यूटर था, और IBM ने बनाया था इसको, ठीक है, याद रखिएगा, GEC ने बनाया था, और ये आपका इसी समय डेवलप एक कंप्यूटर था EDWEC। EDWEC कंप्यूटर का फुल फॉर्म पूछा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो इस तरह से हमारा कंप्यूटर डेवलप होते गए, ठीक, और उस आप देख रहे हैं ये तो फर्स्ट जनरेशन हो गया, मतलब अब टेक्नोलॉजी आने लगी, यहां तक आपको थोड़ा सा इतिहास लेकर चलना है। फिर हम 40 से 45 से लेकर 50 साल तक जाएंगे, ये फर्स्ट जनरेशन होगा, इसकी टेक्नोलॉजी होगी ऐसी होगी, बड़े बड़े कंप्यूटर्स होंगे, ठीक है, स्विचिंग डिवाइस। देखिए पहली बात तो देखना, ध्यान देना क्या क्या होगा इसमें, सभी कंप्यूटर्स में एक होगा, मान लीजिए यहां पर एक बॉक्स है, यहां पर एक क्या है आपका, दो इंस्ट्रूमेंट है, दोनों को जोड़ने के लिए, स्विच करने के लिए एक आपको क्या लगेगा, स्विचिंग डिवाइस, तो पहला स्विचिंग डिवाइस होगा। एक दूसरा चीज होगा ऑपरेट करने के लिए, चूंकि इसके ऑपरेट करना है तो ऑपरेटिंग डिवाइस लगेगा, और एक आपका स्टोर करने के लिए स्टोरेज डिवाइस लगेगा, यानी तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, एक आपका स्विच करने के लिए यानी जोड़ने के लिए, जैसे आजकल जैसे आपके हमारे पास मोबाइल होता है तो हमारे पास PCB है ना, आपका जो ग्रीन बोर्ड होता है ना उसमें पूरा आपका क्या होता है, पूरा वायरिंग होता है, उससे बन जाता है ग्रीन बोर्ड वाला, मदरबोर्ड बोलते हैं। तो उस समय क्या चीज यूज करते थे भाई, कैसे करते थे, दो इंस्ट्रूमेंट को कलेक्ट आपका जोड़ना तो कैसे करते, स्विच करेंगे, उसके बाद आपका ऑपरेट कैसे करेगा, उसको ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ तो होना चाहिए, और तीसरा आपका क्या है, स्टोरेज के लिए क्या यूज करते थे, मेन पीढ़ी में यही होता है, ठीक है, और थोड़ी बहुत गति उदी पढ़ेंगे तो ये हमारा अब जो होगा टेक्नोलॉजी के माध्यम से पीढ़ियों का चालू होगी, पीढ़ियां कंप्यूटर की पीढ़ियां हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है। तो चलिए हेडिंग डाल लीजिए, कंप्यूटर की पीढ़ियां, ठीक है, कंप्यूटर की पीढ़ियां, फर्स्ट जनरेशन हेडिंग डाल के छोड़ दीजिए, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंप्यूटर की पीढ़ियों पर चर्चा करेंगे, ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, पार्ट टू में हम लोग सांस में पीढ़ियों के बाद क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड सारे कर लेंगे, आज के लिए इतना ही, इतना आप लोग कम से कम पढ़ कर आना, ठीक।